किस बारे में? जो ये कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है या जो देखो, हम तो दिल्ली के ऊपर बात करेंगे जी। आप दिल्ली की जनता से पूछ करके देख लो। हाँ जी, जे जे कॉलोनियों की सड़कों के बारे में आप आकर के देख लो। ये जो कटिंग जो यहाँ पे सिविल लाइन जो डली कुछ समय पहले, ये चालू लाइन थी, ओके की लाइन थी ये बिल्कुल। इसको फिर भी इसको चेंज कराया गया और जितना काटा था उतना ही मलबा डाला गया। बारिश का पानी लोगों घरों के अंदर जाता है, गलियों के अंदर जाता है, लोग इतने परेशान हैं। रात को दो अगर ढाई बजे अगर बारिश आ जाती है तो बेचारे सोते कम पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। तो इस कारण से हम तो इस दिल्ली की जनता को कोशिश ये करेंगे कि इसको उखाड़ कर फेंकने वाली काम हमें काम करने वाले। लॉकडाउन के अंदर इस स्कूल के अंदर राशन आया, राशन गरीब लोगों की जनता के लिए था, लेकिन जनता को कम मिला और वो दुकानों में ज़्यादा बिक गया। वो किसने बेचा दुकान? केजरीवाल सरकार ने, उसके विधायकों ने, उसके पार्षदों ने। इतना गंद मचा रखा है इस क्षेत्र के अंदर उन लोगों ने कि कोई काम बिना उसके भ्रष्टाचार कहते भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने, और इतना बड़ा रखा है। ये देखिए, ये सच्चाई है, ये आम जनता है जो आज केजरीवाल के खिलाफ बोल रही है। आप एक मिनट बोलने दीजिए ना, जनता को बोलने दीजिए ना। हाँ जी। और देखिए, बिजली के बिल की बात करें, अगर हम बिजली के बिल की बात करते हैं कि बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरा एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके फ्लोर के मेरे पास 3500-3600 बिल आता है। इतना बिल सिर्फ एक फ्लोर का। और अब जो बिल जीरो अगर वो दिखाते तो ये उन लोगों के बिल है जो कहते जी हमारे तो बिल जीरो आ रहे हैं। सर्दियों में कितनी बिजली खर्च होगी? पंखे बंद, कूलर बंद, एसी बंद, लाइटें बंद, और एलईडी वाला मोदी साहब ने दे रखे हैं, वो बिजली कितनी खींचती है वो आपको पता ही है। तो इसीलिए केजरीवाल सरकार ने जो करा है दिल्ली के अंदर, सब जगह जाहिर है, सार्वजनिक हो चुकी है सब उसकी बातें। ये बता रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक भगवान है। हाँ, दीपक भगवान।